वेलकम टू माय चैनल रेनवाला क्रिएटिविटी। फ्रेंड्स, आज मैं मौली की 5 अलग अलग तरीके की राखी बताने जा रही हूँ। सबसे पहली राखी में हम 2 अंगुल की मदद से मोटा करके धागे को लपेट लेंगे उंगलियों पे, और बीच से उसी धागे से मजबूती से बांध देंगे। उसके बाद दोनों तरफ के धागे को नोक वाली कैंची की सहायता से कट कर लेंगे अच्छे से। फिर से लेस के वो टुकड़े को गूँथ लूँगी इसमें। ये लेस मार्केट में बहुत ही अच्छे से आपको मिल जाएगी, सुविधा होती है। ये स्टोन खूबसूरत भी दिखती है राखी में डालने पर, और बहुत जल्दी। Thank you.
स्टोन को चिपकाऊंगी, वही स्टोन वाली लेस को कट करके चार स्टोन को बीच में चिपका दूंगी और उसके बाद ग्लू की सहायता से इसे राउंड राउंड शेप में मैं चिपकाती जाऊंगी। इसमें अच्छे वाले ग्लू का इस्तेमाल करें ताकि तुरंत चिपक जाए। स्टोन साटने वाली ग्लू आती है एक मार्केट में, वो ग्लू अच्छी होती है। अब जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, एक अस्तर के टुकड़े को गोल शेप में काट लूँगी और उसके ऊपर धागे को, फिर उसके ऊपर राखी को चिपका दूँगी। ये कितनी सुंदर लग रही है। नंबर 5 राखी में मैंने मौली के धागे में सुई धागे की मदद से सलमे को लपेट लिया है। सलमे को टुकड़े टुकड़े में मैंने काटा है, फिर बीच में घुंघरू डाली हूँ, फिर सलमे को लपेटा है, फिर घुंघरू डाली हूँ। इस तरह से लपेटते लपेटते जितनी दूरी तक आपको राखी चाहिए आप लपेट लोगे, फिर लास्ट करने पर इसे वापस से अच्छे से फोल्ड करने से फिनिशिंग आ जाती है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।